शराब नीति केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को मैनुअल के हिसाब से पूर्व डिप्टी सीएम को एक दिन के अंतराल पर दोपहर 3 से 4 बजे के बीच पत्नी बात कराने का निर्देश दिया है। सिसोदिया ने पत्नी के खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए याचिका दाखिल कर अंतरिम जमानत की मांग की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब नीति के केस से जुड़े सीबीआई केस में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर गुरुवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि सीबीआई शराब नीति केस में अनियमितता की जांच कर रही है। एजेंसी ने 8 घंटे की पूछताछ के बाद 26 फरवरी को सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे एजेंसी की हिरासत में हैं। इससे पहले 31 मार्च को दिल्ली की सेशन कोर्ट उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। तब सिसोदिया ने जमानत के लिए हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।